लौकिक संपर्क आपको बेहतर रूप में जीने के लिए मदद करता है गॉड इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस असिस्ट एंड एंड लीड गाइड बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर एंड ही टू हेल्प अस परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं हमारी मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो तो हमारे सृष्टि करता है और वो हमारे जीवन में हमारी मदद करना चाहते हैं सो एस वीव एंटर्ड इन टू दिस न्यू ईयर यू आर थिंकिंग उ बेस्ट यू कैन मेक ऑफ दिस न्यू इन इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इस नए साल का मैं सबसे उत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूँ बट यू आर अवेयर द वेरी बिगिनिंग वी हैव दिस कोविड इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ मेनी मेनी पीपल और जैसे कि आप जानते हैं कि नए साल के शुरुआत में ही कोविड का प्रभाव बढ़ गया है एस पीपल है जैसे कि पहले लोगों ने कह दिया है कि शायद हमें इसी के साथ में जीना सीखना होगा गिवन बाई द गवर्नमेंट और आपको इसके साथ में रहना ही होगा तो सरकार के द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है आप उसका पालन कीजिए मेक श्योर यू टेक द वैक्सीनेशन आप निश्चय ही वैक्सीनेशन करवा लीजिए एंड ऑलवेज वे मास्क वेन यूर गोइंग आउट और जब भी आप बाहर जाते हैं तो हमेशा मास्क पहने रहे नियमित रूप में आप अपने हाथ धोते जाइए यू मे बी आई एम टॉकिंग ऑल दिस जाइएंगल दिसन प्रोग्राम शायद आप ये सोच रहे होंगे की मैं ये सब इस प्रोग्राम में आपको क्यों बता रहा हूँ आई एम श्योर आई टॉक फ्रॉम द बाइबल मैं निश्चय ही जानता हूँ कि मैं बाइबल से बताता हूँ बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू द गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ रिगॉर्डलेस ऑफ योर रिलीजन लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जिस परमेश्वर के बारे में हम बता रहे हैं चाहे आपकी आस्था कुछ भी हो वो परमेश्वर आपके जीवन में दिलचस्पी लेते हैं बिकॉज वेन वी स्पीक फ्रॉम द बाइबल बाइबल वेरी क्लियरली से That this God is the creator of the world. जब हम इस बाइबल में से बताते हैं बाइबल सिखाती है कि ये परमेश्वर सृष्टि करता है He created the mankind. उसने मानव जाति को बनाया है Everything that we see and do not see. जो दिखता है जो अदृश्य सब उसी ने बनाया है So keeping that in mind, definitely the God we present in this program is always good and he is looking forward to the best in your lives. इस प्रोग्राम में हम आपको जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं वो तो भले हैं और वो आपके जीवन में बेहतरी चाहते हैं their work throughout the year. ये तो ऐसे फसल का उत्सव है यानी साल भर वो मेहनत करते हैं कटनी करते हैं और उसके लिए ये उत्सव मनाते हैं इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ द फ्रूट ऑफ लेबर दट दे है उसके लिए उत्सव मनाया जाता है मिड जनवरी ये जनवरी महीने के मध्य भाग में मनाया जाता है एंड ऑलवेज वेन वी a इन फील्ड एंड you यू रीप harvest इट मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी जब हम खेत में काम करते हैं और हमें फसल मिलती है तो हमेशा उसके कारण हम बहुत खुश होते हैं और मैंने इन दिनों में टेलीविजन पर देखा है कि गन्ने की फसल उगाने वाले किसान बहुत ही खुश गुड फ्रूट दिस क्योंकि इस साल गन्ने की फसल की उपज तो बहुत ही अच्छी हुई है हार्वेस्ट दैट हैव वर्क फॉर यानी जिन लोगों ने मेहनत की और उन्हें अच्छी फसल मिली है तो उसकी कटनी में वो बड़ा आनंद मनाते हैं आई a वेरी स्मॉल गार्डन ऑन टॉप ऑफ आवर हाउस हमारे घर की छत पर मैंने एक छोटा सा गार्डन बनाया है I have small little plants that you know we have egg plants and we have a uh, lady's finger and uh, a, few other vegetables. कुछ सब्जियों के पौधे मैंने उगाए हैं जैसे कि बैंगन और भिंडी ऐसे कुछ पौधे हैं. So this morning I was watering it and uh, I saw some uh, flowers coming out from the egg plant. आज जब मैं पानी दे रहा था तो मैंने देखा कि बैंगन के पौधे पर कुछ फूल उगाए हैं. So I was looking forward, or I am looking forward to uh, a time very soon uh, when I am going to reap that harvest. रहा रहा you know, my grandparents uh, or my maternal grandparents are uh, farmers.

And in in a place place called Kotwal if you remember, that is the the where they sell all the vegetables in those days. उन दिनों में वो सब कुछ पर ट्रक में भरकर चेन्नई आते थे और उन दिनों में कोतवाल सावडी में जाकर वो सब्जियाँ बेचते थे and they were very, very happy such a thing और जब भी ऐसा कुछ होता था तो पूरा परिवार बहुत ही खुश हो जाता था

उट दाइबल वेरी क्लियर इट इज गॉड हूं जब हम फसल के बारे में सोचते हैं तो निश्चित बाइबल हमें बताती है, कि परमेश्वर है जो इस पृथ्वी के मालिक हैं। इन द बुक ऑफ Psalms, chapter 24, verse 1, we read like this: "The earth is the Lord's, and everything in it." भजन से 24:1 एक ये कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह ही का है

according to their various kinds and it was so फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदाई वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया इस तरह वचन कहता है यह हमें बताता है सो गॉड कमांडेड द अर्थ टू प्रोड्यूस प्लांट्स

टू सेलिब्रेट जब हम अपनी मेहनत के लिए उत्सव मनाते हैं अपनी मेहनत का फल पाते हुए आनंद मनाते हैं परमेश्वर ने इसराइलियों को भी अपनी फसल के लिए उत्सव मनाने के लिए कहा था यह हम देख सकते हैं फेस्टिवल स्टार्ट विद यूनो पास ओवर

लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल जब हम बाइबल में देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम पर्व मनाते हैं एंड व्हेन ही सेज व्हेन यू कम इनटू माय प्रेजेंस टू सेलिब्रेट द फेस्ट ऑफ हार्वेस्ट

हार्वेस्ट so uh, uh, यानी फसल के बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से अच्छे सिद्धांत हैं He is saying, uh, celebrate the festival that is uh, what we call in gathering every year and when you gather the crops from the field uh, you need to celebrate it। वो ये कहते हैं कि जब भी हम हर साल फसल को काटते हैं जमा करते हैं तो निश्चय उसके बारे में आनंद मनाओ निश्चय उसके बारे में खुशी मनाओ सो एम द आर गोइंग ऑन इवन इन द बाइबल देर आर मेनी रिफ्लेक्शन कनेक्टेड टू वॉट इज बींग डूडे इन आवर स्टेट एंड इन मेनी अदर ऑफ इन इंडिया मैं यही कह रहा हूं कि बाइबल में जिस तरह से हम उत्सव मनाया जाता हुआ देखते हैं उसी के संबंध में हमारे राज्य में हमारे देश में भी फसल का उत्सव मनाया जाता है बट द फोकस इज ऑन गॉड लेकिन जो ध्यान है वो परमेश्वर पर लगाया गया है परमेश्वर को पहला स्थान दिया गया है एंड एज गॉड इज अटर एंड एज गॉड इज अस ऑफ ऑल वेजिटेशन वी वेन बी हार्वेस्ट बेसिकली से थैंक यू गॉड एंड वर्शिप गॉड एंड ऑनरम एवरी वे जब हम फसल की कटनी करते हैं और परमेश्वर ने सारी सृष्टि के इन सारे साग सब्जियों को बनाया है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का हम आदर करते हैं सो आई वॉन्ट टू बेसिकली लिव विद यू फ्यू थॉट्स ऑन यू नो वॉट द बाइबल से मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूँ कि बाइबल फसल और परमेश्वर के बारे में क्या कहती है And the very first idea I want to leave with you in connection with the harvest and God is, uh, हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ गॉड फसल और परमेश्वर के बारे में पहली बात आपको बता दूं कि हम परमेश्वर के कारण ही फसल की कटनी करते हैं You may say, oh, I don't agree with you. शायद आप कहें मैं इससे सहमत नहीं हूं oh, खेत पर हल चलाता हूँ बीज बो रहा हूँ पानी देता हूं थिंग oh, आप ये सब कुछ कह सकते But हैं बट you know, यू नो अल्टीमेटली of ऑफ गॉड वेरी क्लियरली से ओरिजिन ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड द वेरी क्रिएटर ऑफ

अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और काल और शीतकाल दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे ये कहता है सो दैट इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम हिम इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिम जब परमेश्वर ने इसे कहा तो ये असली में उसी से आता है उसी से शुरू होता है गॉड इज ए सोर्स ऑफ हार्वेस्ट इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ही सारी फसल के मुख्य स्रोत हैं। ही कैन कंट्रोल इट वो इस पर नियंत्रण कर सकते हैं ही कैन इंक्रीज इट वो इसे बढ़ा सकते हैं कैन डिक्रीज इट वो इसे घटा सकते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपुल्स response टू हिम बेस्ड ऑन his रेवलेशन उसके बारे में लोगों का जो प्रकाशन है ये सब कुछ केवल उसी पर आधारित होता है

clearly in deuteronomy 11 16 and 17 be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them then the lord's anger will burn against you and he will shut up the heavens so that it will not rain and the ground will not will yield no produce and you will soon perish व्यवस्था विवरण अध्याय वचन और कहता है इसलिए अपने विषय में सावधान रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहककर दूसरे झूठे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहुवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यह तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ इस तरह यहां पर यह वचन हमें बताता है सो ही इज एक्सपेक्टिंग हिज पीपल टू फॉलो द रेवलेशन ही हैड गिवन टू देम तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उसके लोग जो प्रकाशन परमेश्वर ने उन्हें दिया वो उसका अनुकरण करें

अपनी उपज नहीं उपजाएगी एंड यू विल पेरे और तुम नाश हो जाओगे हाउ फ्रेंड्स ये कितने दुख की बात है व्हेन पीपल डू नॉट फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड गॉड कैन कंट्रोल द वेदर गॉड कैन कंट्रोल द अर्थ एंड इट्स प्रोड्यूस एंड दैट्स व्हाई आई से इफ वी हार्वेस्ट टुडे डेफिनेटली आई विल पुट इट लाइक दिस गॉड हैज अलाउड इट जब लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर फसल नहीं देते हैं और मैं यही कहूंगा कि आज हम अगर भूमि की फसल काट रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ने ये उपज हमें दी है ये परमेश्वर की है। की कृपा for और जब ऐसा कुछ होता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसके पास में आए उससे प्रार्थना करें, क्षमा मांगे और उसकी दया

जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे यहाँ पर इस तरह सुलेमान यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है and when we come to god in such humility and when we pray to him he is जब हम ऐसी नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आते हैं नम्र होकर उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे देश को ज्यो का त्यों कर देता है What does this tell me and you about this God? ये इस परमेश्वर के बारे में हमें क्या बताता है दिस गॉड रियली people. ये परमेश्वर सच में लोगों से प्यार करते हैं ही हैज कंसर्न फॉर his पीपल उसे अपने लोगों की बड़ी परवाह है He is ready to for his वो अपने लोगों के लिए प्रयोजन करने को बिल्कुल तैयार है He wants his people to survive in this world. वो चाहते हैं कि उसके लोग इस संसार में जीवित रहें. And he is the provider. और वो प्रयोजन करने वाले हैं. He is taking care of his people, and that is the wonderful and amazing message we are getting from this verse. और वो अपने लोगों के लिए प्रबंध करते हैं और इन वचनों के द्वारा हम यही महान संदेश प्राप्त करते हैं. We harvest because of God's grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही जीवित हैं. एंड इंपोर्टेंट प्रिंसिपल वी सो और परमेश्वर और फसल के बारे में दूसरी मुख्य बात ये है कि जब हम बोते हैं तो जो कुछ भी बोया उससे ज्यादा की हम कटनी करते हैं यू नो वी पुट वन सीड इन द ग्राउंड एंड देर आर उ्रेम प्लांट हम जमीन में एक बीज बोते हैं और उससे उगने वाले पौधे पर सौ बीज होते हैं इस तरह से क्यों होता है multiplication एंड द ग्रोथ और God's prerogative. देखिए बहुगुणन या फिर ये उन्नति जो है ये तो परमेश्वर का अपना तरीका है इट इज प्योरली आउट ऑफ हिज मर्सी एंड ग्रेस गॉड इज डूइंग दैट व्हेन वी सो लिटिल वी रीप मोर और ये तो परमेश्वर अपनी दया के कारण करते हैं हम थोड़ा बोते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कटनी काटते हैं यू नो एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इज फाउंड इन द लाइफ ऑफ इजैक इसाक के जीवन में एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य हम देखते हैं Isaac was the son of Abraham. The one whom God chose to bring uh, Jesus Christ into this world. That uh, descendant, uh, that patriarch. And uh, Bible says in Genesis 26, 12, Isaac planted crops in that land uh, and the same year reaped a uh, hundredfold because the Lord... ब्लेस्ट हिम उत्पत्ति 26 बारह में बाइबल कहती है फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में सौ गुना फल पाया और यहुआ ने उसको आशीष दी क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी द थीप्लिकेशन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर यहाँ पर बहुगुणन की बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है एट द द द सेम टाइम आई यू टू नोट रीजन फॉर मल्टीप्लीकेशन और साथ साथ में बहुगुणन के लिए कारण क्या था इस बात को भी देखें। हु इज द रीजन कारण कौन है द बाइबल वेरी क्लियरली says because the Lord blessed him. बाइबल स्पष्ट कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी सो जनरली यू नो इट इज गॉड्स प्रिंसिपल दैट व्हेन वी सो लिटिल वी रीप मच मोर तो सामान्य रूप में ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि जब हम थोड़ा बोते हैं तो भी हम ज्यादा की फसल पाते हैं एंड द सीड दैट Fell on the good soil in the parable of the sower that Jesus used to teach 60 वी फाइंड इट times. और जब बोने वाले के उस दृष्टांत को हम देखते हैं जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था हम देखते हैं कि जब बीज अच्छी भूमि में गिरा तो किसी ने 30 गुना तो किसी ने 60 गुना और किसी ने 100 गुना फसल लाई ऐसी फसल मिली सो वी हावेस्ट बिकॉज ऑफ गॉड तो हमें परमेश्वर के कारण ही फसल मिलती है ये उसकी दया है एंड वी ऑल्सो रीप मोर परमेश्वर के कारण ही जो कुछ भी बोते हैं उससे ज्यादा ही कटनी में पाते हैं time, लेकिन इसी के साथ साथ परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम कुछ काम करें ये उसकी अपेक्षा ही सेइंग व्हेन यू रीप यू नीड टू रिमेम्बर द और वो कहते हैं कि जब तुम फसल की कटनी करते हो तो तुम कंगालों को स्मरण करना You need to help the needy. You know, in the commandments, many, many commandments God gave to the people of Israel, and I would like to read only two verses. In the book of Deuteronomy, chapter 24, verse 19, we read like this when you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, uh, that uh, do not go back to get it. Leave it for the foreigner. the fatherless and the widow, so that the Lord your God may bless in all the work of your hands. व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 19 कहता है, जब तू तो अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लॉर्ड जाना, वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहुवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे. वो जो पुली है वो तो परदेश अनाथ और विधवाओं के लिए छोड़ हैज फॉर हु कैन नॉट अफोर्ड तो ऐसे कटनी के समय परमेश्वर उन लोगों की भी परवाह करते हैं जो कि कंगाल हैं, जो कि कुछ नहीं कर पाते हैं जो गरीब हैं।

प्रेजेंस एम्प्टी हैंडेड और इसीलिए मैंने आपको बताया कि शुरू में उसने इसराइलियों को आज्ञा दे दी कि जब तुम मेरे उपस्थिति में आते हो तो खाली हाथ न आना ऑलवेज ब्लेस हिस्स पीपल वो हमेशा अपने लोगों को आशीष देते हैं ही प्रोवाइड एडिक्वेटली He provides more than enough so that we will be able to offer joyfully and freely, according to the blessings God has given to us. वो हमें भरपूरी से देते हैं ताकि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उसके अनुसार हम बड़े आनंद से दूसरों को देते चले जाएस मैं अंत में ये वचन पढ़ना चाहता हूँ जॉन चैप्टर ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर यो अध्याय बारह वचन तेईस और चौबीस बट जीसस रिप्लाइड कम फॉर सन ऑफ मैन टू बी ग्लोरिफाइड Truly, truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, dies, it 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 remains only a seed. But if it dies, it bears much fruit. मनुष्य के पुत्र की महिमा हो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है दिस हार्वेस्ट I want to compare it to what Jesus Christ has done for you and me. इस फसल की तुलना मैं उससे करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. And Jesus, he died as a kernel of wheat. और यीशु मसीह एक गेहूं के दाने के जैसे मर गए. And it produced a great harvest. I am part of a harvest. And anybody who is listening to me, anybody who is believing in Jesus, are all

who has given his life for you and me यीशु मसीह का उत्सव मनाया जाना चाहिए क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दे दी वो हमारे लिए मर गए when he died on the cross he drew all men to himself और जब वो क्रूस पर मरे तो उसने सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींच लिया the cross is attractive क्रूस तो आकर्षित करने वाला है the cross is something that reveals the true love of god mercy of god grace of god and when we experience this love, mercy and grace of God, nobody can say no. और ये क्रूस तो निश्चय परमेश्वर की दया करुणा और कृपा का अनुभव करने की जगह है और निश्चय ही जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हमें उससे कोई दूर नहीं कर सकता है एंड दैट जीसस कैन प्रोड्यूस मच मोर फ्रूट मच मोर हार्वेस्ट इन योर लाइफ और वो यीशु आपके जीवन में बहुत से फल और बहुत सी फसल उत्पन्न कर सकते हैं ला सकते हैं इफ यू बिलीव इम टूडे he is willing to help you and guide you आज अगर आप उस पर विश्वास करें तो वह आपकी मदद और मार्गदर्शन करने को तैयार है you need help with this please feel free to contact इसके us इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप निश्चय हमसे संपर्क कर सकते May हैं god bless you, you and your family today परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे study the word of god In a private and personal way through our online study website. Contact number